अरे भाई साहब देखो यार, आखिरकार पुलिस ने इस चोर को पकड़ ही लिया। देखो यार, पूरे का पूरा गैंगस्टर लग रहा है, देखो तो सही। और देखो ये रही जिमी की कार, जो कि आज स्टील हो चुकी थी। और देखो जिमी भी काफ़ी ज़्यादा खुश है। बाकी यार लेस्टर भैया ने मुझे कहा है कि तुमने यार वो कार को $25 मिलियन में सेल करना है, तो जल्दी से चलते हैं यार उस बंदे के पास जिसने यार हमारी गोल्ड कार को बाय करना है। Hey, what is up, boys? So, कैसे हम सभी लोग, वेलकम बैक हो गया यार तुम्हारा GD5 की न्यू गेम प्ले वीडियो में। सो गाइस, जैसा कि आप सभी लोग को पता है, एक्चुअली वीडियो में हमने यार एक KTM बाइक भी जो सी है वो बाइक कर ली थी, क्योंकि यार हमारे एक सब्सक्राइबर ने कमेंट किया था कि भाई साहब एक आधी यार KTM भी बाय कर लो। तो हमने यार KTM बाय कर ली थी और अभी तक उसकी स्पीड टेस्ट नहीं की, तो वो भी जल्द करेंगे आज ही। तो गाइस यार, जो माइकल के पास थोड़े बहुत पैसे थे, जो यार उस बिजनेसमैन के हमने काम वाम किए थे तो थोड़े बहुत पैसे मिले थे, तो यार हमने एक तो लैम्बोर्गिनी यार बाय कर लिया, दूसरा ये कि KTM भी बाय कर लिया, तो थोड़े बहुत पैसे रह चुके हैं। तो गाइस तुम लोग को पता है यार, थोड़े दिन पहले हमने एक 24 कैरेट प्योर गोल्ड की कार को स्टील किया था, जो कि यार हमने लेस्टर भैया के सीक्रेट गैराज पर पार्क कर दी थी। और अब कोई टेंशन नहीं है, मामला थोड़ा बहुत ठंडा हो चुका है। तो यार मैंने रातों रात उसके गैराज से अपने गैराज पर शिफ्ट कर दिया कार को, और लेस्टर ने मुझे कहा कि भाई एक बहुत ही कमाल की डील आई है, तो उस बंदे से आज हम मिलने जा रहे हैं जो यार ये पूरी की पूरी 24 कैरेट की प्योर गोल्ड की कार को बाय करेगा हमसे। तो जल्दी से चलते हैं अपनी KTM पर, और इसी बहाने यार KTM भी स्पीड टेस्ट हो जाएगा और ड्राइविंग भी चेक कर लेंगे आखिर इसकी कैसी है। तो ये रही हमारी KTM और ये रही हमारी लैम्बोर्गिनी, तो जल्दी से चलते हैं भाई साहब। तो बाकी यार इसका देखो साउंड चेक करो, काफ़ी कमाल का है। KTM वाकई में बहुत ही कमाल की है। इसका यार पिकअप काफ़ी बढ़िया है, देखो यार कुछ ही सेकंड में ये देखो 100 पर चल जाती है यार कुछ ही सेकंड में। तो जल्दी से चलते हैं यार उस बंदे के पास जिसने यार हमारी गोल्ड कार को बाय करना है। तो देखो यार इसकी ड्राइविंग काफ़ी कमाल की है, KTM वाकई में यार मेरी फेवरेट बाइक में से एक हो चुकी है। देखो काफ़ी कमाल का इसका पिकअप है और हैंडलिंग भी काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है। तो अभी यार बहुत ही मुश्किल से बचे हैं। बाकी यार लेस्टर भैया ने मुझे कहा है कि तुमने यार वो कार को $25 मिलियन में सेल करना है, तो कोशिश हम इतनी ही करेंगे, लेकिन कम से कम $20 मिलियन लास्ट है, क्योंकि यार वो कार इतने की तो है। तो जब हमें $20 मिलियन मिल जाएंगे तो हम ऐसा करेंगे यार लेस्टर भैया को $5 मिलियन दे देंगे, क्योंकि यार उसने हमें कमाल की इन्फॉर्मेशन दी थी और हमारे पास फिर से काफ़ी अच्छे पैसे आ जाएंगे। तो वो बंदे की जगह आ चुकी है, हम अपनी बाइक को इधर साइड पर कर देते हैं पार्क और चलते हैं भाई उस भाई साहब के पास। तो गाइस वो बंदा मुझे दूर से ही नज़र आ चुका है, वो देखो यार काफ़ी तगड़ी सिक्योरिटी है। तो बाइक को हमने साइड पर इसलिए पार्क की है, बीच पर यार काफ़ी ज़्यादा पब्लिक देखो लेटी हुई है, तो अगर हम बाइक लेकर आते तो इधर सब ने डिस्टर्ब हो जाना था। तो जल्दी से चलते हैं, और देखो यार इसके साथ भी काफ़ी तगड़ी सिक्योरिटी है। अरे भाई साहब क्या ही कहूँ यार, काफ़ी ज़्यादा लगता है अमीर बंदा है। तो जल्दी से चलते हैं इसके पास और भाई साहब से डील करते हैं, भाई कितने मिलियंस डॉलर्स की हमसे तुम कारवार बाइक करते हो। तो ऑल राइट गाइस, तो मेरी से बात हो चुकी है, और यार इस बंदे ने मुझे कहा कि मैं तुम्हारी कार पूरे के पूरे $25 मिलियन में खरीदने के लिए भी तैयार हूँ। तो जल्दी से यार बताओ तुम्हारी कार कहाँ है। और इसने यार मुझे कहा कि मैं तुम्हें जब मैं कार देखूँगा तभी यार तुम्हारी कार को बाय करूँगा। तो फटाफट से चलते हैं भाई अपनी KTM पर, और भाई अपनी कार को जल्दी से यार जो उस पर बुलेट्स वगैरह लगी थी उसको रिपेयर करवा लेते हैं, तो इस बंदे से हम कल मिलेंगे। बाकी यार ये बंदा काफ़ी ज़्यादा यार अमीर लग रहा था देखने में, और देखा था यार पूरा माफिया टाइप उसकी लुक थी, जैसे उसके साथ सिक्योरिटी गार्ड्स थे तो पक्की बात है यार उसके साथ भी कोई माफिया वाफिया का चक्कर शक्कर है। तो गाइस अभी यार मुझे कॉल आई है पुलिस स्टेशन से, और पुलिस स्टेशन ने यार हमें बुलाया है, क्योंकि यार जो जिमी की कार थी वो पुलिस ऑफिसर ने उस कार को डिटेक्ट कर लिया, उस चोर को पकड़ लिया है। और जल्दी से चलते हैं भाई उसकी जिमी की कार वार पकड़ते हैं और देखते हैं भाई आखिर वो कौन सा चोर है यार जिसकी इतनी हिम्मत हुई है कि माइकल के घर में घुस के माइकल के बेटे की कार को चोरी किया है।
तो जल्दी से जिमी भैया को भी पिक कर लेते हैं, क्योंकि यार उसने कार को ड्राइव कर कर लाना है। हम KTM उधर नहीं छोड़ सकते, तुम्हें पता है आगे हालात ख़राब हुए पड़े हैं, घर से यार चोरी हो सकती है, तो सोचो फिर यार बाहर तो बिल्कुल ही अनसेफ है कार। तो भाई साहब जिमी भैया आ चुके हैं बाहर, और तो गाइस जिमी यार इस बाइक पर नहीं बैठ सकता क्योंकि यार ये काफ़ी छोटी है, तो ऐसा करते हैं अपनी लैम्बोर्गिनी को लेकर चलते हैं। तो इसको इधर साइड पर करते हैं पार्क और अपनी गाड़ी पर चलते हैं। आ जाओ भाई जिमी भैया, एक सेकंड बाहर निकालने दो मुझे। तो जिमी भी यार काफ़ी ज़्यादा खुश है कि उसकी यार सुपर कार वापस आ चुकी है। तो जल्दी से चलते हैं भाई पुलिस स्टेशन और अपनी कार को वापस लाते हैं। बाकी यार उस मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ उस बंदे को देखने के लिए यार, जिसने हमारे घर से हमारे जिमी भैया की यार गाड़ी को चोरी किया है। तो गाइस मेरा तो दिल कर रहा है यार उसको यार पुलिस के सामने शूट कर दूँ, लेकिन यार अपनी गाड़ी पकड़ते हैं और निकलते हैं, कहीं मामला और ज़्यादा ख़राब होता है। सो फाइनली गाइस हम पहुँच चुके हैं सीधा पुलिस स्टेशन पर, और देखो ये रही जिमी भैया की कार। तो अपनी गाड़ी को साइड पर कर देते हैं इधर पार्क। अरे भाई साहब देखो यार आखिरकार पुलिस ने इस चोर को पकड़ ही लिया। देखो यार पूरे का पूरा गैंगस्टर लग रहा है, देखो तो सही, काफ़ी टैटू शैटू लगाए हुए हैं अपने हाथ पर। तो फाइनली गाइस पुलिस ने इसको पकड़ लिया, और देखो ये रही जिमी की कार जो कि आज स्टील हो चुकी थी, और देखो जिमी भी काफ़ी ज़्यादा खुश है। तो अभी चलते हैं सीधा घर पर, और यार पुलिस वालों को काफ़ी ज़्यादा थैंक्स, एक बात तो माननी पड़ेगी यार लॉस सैंटोस की जो पुलिस है ना वो काफ़ी कमाल की, एक दो दिन में देख लो कार को ढूंढ दिया उन्होंने, फाइंड कर दिया। तो गाइस गाड़ी वगैरह में मिल चुकी है, तो जल्दी से चलते हैं यार अपने घर पर, और जिमी अब अपनी गाड़ी चला कर जाएगा और हम अपनी लैम्बोर्गिनी। तो देखो यार जिमी भी अपनी गाड़ी पर बैठ चुका है और जा रहा है अपने घर पर, और हम भी चलते हैं यार सीधा घर पर और फटाफट से चलते हैं। सो फाइनली गाइस घर तो यार अपने पुलिस स्टेशन के काफ़ी पास है। बाकी यार तुम्हें एक बात तो माननी पड़ेगी, लॉस सैंटोस की पुलिस काफ़ी कमाल की पुलिस है यार, तगड़ी पुलिस है। हमारा घर आ चुका है और जिमी भैया भी आ ही रहे हैं पीछे, तो काफ़ी खुश है यार जिमी। तो गाड़ी को करते हैं इधर पार्क। सो फाइनली गाइस जिमी भैया भी आ चुके हैं अपनी गाड़ी लेकर, और देखो यार काफ़ी ज़्यादा खुश है यार, ये देखो तो सही, जिमी की तो खुशी देख ही नहीं जा रही, काफ़ी ज़्यादा खुश है। तो यार वीडियो कैसी लगी, वीडियो को करो लाइक और चैनल को करो सब्सक्राइब। मिलते हैं यार नेक्स्ट वीडियो में, अब तक के लिए इतना ही, गुड बाय।